जो हमारा विषय है वो है लोक प्रशासन के अंतर्गत बीए फाइनल में प्रश्न पत्र द्वितीय के अंतर्गत द्वितीय इकाई में आता है। हमें आज का जो हमारा ये विषय है यह है नवीन लोक प्रशासन, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लोक प्रशासन के रहते हुए हमें नवीन लोक प्रशासन की आवश्यकता क्यों महसूस हुई, तो ये जो बात है ये नवीन लोक प्रशासन का तात्पर्य यह है कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अमेरिका के राज्यों में, अमेरिका में जो महत्वपूर्ण चीज देखने को आई कि वह उस समय वियतनाम का युद्ध हो गया था, द्वितीय विश्व युद्ध हो गया था, और द्वितीय विश्व युद्ध और वियतनाम युद्ध के पश्चात अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में बहुत सारी समस्याएं आ गई। जैसे एक प्रमुख समस्या आई वह है गरीबी की समस्या, सामाजिक असमानता की समस्या, और इसके अलावा नस्ली भेदभाव, गरीबी, बेरोजगारी, और प्रशासन जो था लोक प्रशासन इन समस्याओं का वास्तव में निराकरण नहीं कर पा रहा था। तो नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा का तात्पर्य नहीं है कि पुराने लोक प्रशासन को हटा दिया गया हो या लोक प्रशासन की अवधारणा गलत है। नए लोक प्रशासन में, पुराने परंपरागत लोक प्रशासन में कुछ सुधार किए गए, कुछ तकनीकी सुधार किए गए, कुछ उसकी आइडियोलॉजी बदले गई, कुछ उसके विचार बदले गए। ओके, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब अमेरिका इस प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहा था, अमेरिका इन समस्याओं का समाधान खोजना चाह रहा था, तो उसने वहां के प्रोफेसरों को, जो लोक प्रशासन के विद्वान थे, उनको ये कहा कि भाई आप इस समस्या का निराकरण कीजिए। तो वास्तव में किसी भी देश में, किसी भी देश की समस्या या कोई भी देश अगर असफल होने लगता है तो उसका पूरा का पूरा उत्तरदायित्व वहां के लोक प्रशासन को दिया जाता है कि लोक प्रशासन विफल है, इसलिए यह देश गिर गया है, देश की व्यवस्था गड़बड़ हो गई है, देश का आर्थिक विकास रुक गया है, सामाजिक समरसता खत्म हो गई है, देश में प्रशासन उस हिसाब से नहीं चल रहा है, प्रशासन के रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आ रहे हैं जिस हिसाब से हमें अपेक्षा है। इसका मुख्य कारण, तो प्रशासन का मुख्य कारण यह है कि राष्ट्र का विकास करना, लोगों की समस्याओं का समाधान करना, क्लियर है बात। तो पहली जो कमेटी बैठी गई, जो पहला जो अध्ययन मंडल बैठा गया, उसको हम कहते हैं 1967 में हनी रिपोर्ट। दूसरा है उसी वर्ष 1967 में ही फिलाडेल्फिया सम्मेलन, अर्थात ये दोनों ने अपना रिपोर्ट दिया, और 1968 में मिनो ब्रुक्स सम्मेलन। इसके पश्चात भी कई सम्मेलन हुए हैं, लेकिन हम नवीन लोक प्रशासन के विकास में इन तीन चीजों को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। अब यूएसए अर्थात अमेरिका का प्रशासन, अमेरिका के विद्वानगण ये चाहने लगे कि अब इन समस्याओं का समाधान कैसे हो, तो तब तक लोक प्रशासन को अलग से विषय के रूप में नहीं पढ़ाया जाता था, उसको एक पॉलिटिकल साइंस का एक अंग मान लिया जाता था। तो इन्होंने रिसर्च किया कि पुराना जो लोक प्रशासन है वह सही आउटपुट क्यों नहीं दे रहा है, समस्याओं का समाधान क्यों नहीं कर पा रहा है, गरीबी दूर क्यों नहीं हो रही है, कि अमेरिका में नस्ली भेदभाव दूर क्यों नहीं हो रहे हैं, बेरोजगारी क्यों बढ़ती जा रही है, इन सब समस्याओं के समाधान के लिए ये बातें आई। और इन बातों में हनी रिपोर्ट ने ये कहा, हनी प्रोफेसर रहे हैं, हनी रिपोर्ट ने ये कहा कि एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की जाए जो इस विषय में
सोचे। क्लियर हो गई बात? ठीक। और दूसरी बात यह है, उसने कहा कि नए नए शोध को, नए नए रिसर्च को बल प्रदान किया जाए। प्रशासन के लोग, प्रशासन के क्षेत्र में जो नए नए रिसर्च हो कि भाई इसका समाधान कैसे किए निकाला जा सकता है, गरीबी का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। और उसने अंतः अनुशासनात्मक अध्ययन पर भी बल दिया और इसने कई इसने सुधार किए, सुधार की उसने सिफारिशें की। और उसने ये कहा कि शासन को या प्रशासन को लोक कल्याणकारी राज्य करने चाहिए, लोक कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। पहले जो प्रशासन जो होता था, जो पुराना प्रशासन जिसको हम लोग प्रशासन कहते थे, वास्तव में वह नौकरशाही था। नौकरशाही का मतलब एक अच्छे शब्द के रूप में इसको नहीं लेते हैं, नौकरशाही को, ब्यूरोक्रेट्स को। जैसे कि प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो आईएएस होते हैं, ये होते हैं जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, हम इनको सामान्यतः अभिजात वर्ग, एरिस्टोक्रेट वर्ग भी कहते हैं। लेकिन यही धारणा, नौकरशाही का तात्पर्य यह है कि कोई समस्या लेके गया आदमी प्रशासन के पास, बोले अभी तुम्हारी फाइल आई नहीं। क्लियर हुई बात? अर्थात समस्या आप लेट कर रहे हो। और इसी प्रकार से आप बोल रहे हो कि जैसे कि कहीं रोड में एक्सीडेंट हो गया और आप एक्सीडेंट के मामले को कहां ले गए? हॉस्पिटल ले गए। डॉक्टर ये कह रहा है कि आप रिपोर्ट लिख के आओ, क्योंकि वह नियम है। क्या है वो नियम? है कि पहले रिपोर्ट लिखे और उसके बाद इलाज हो। पता चला रिपोर्ट लिखते लिखते वो आदमी मर गया। तो इस प्रकार के जो कड़े नियम है उनमें क्या होना चाहिए? छूट होनी चाहिए, उसमें लोचन होना चाहिए, उसमें सॉफ्टनेस होना चाहिए कि हम नियम को बदल सकें, अर्थात एक ही नियम पे हम ना चलें। ठीक। अब बड़े मजे की बात यह हुई कि ये सम्मेलन जो था, ये तो बता रहा था कि ये करना चाहिए, शोध करना चाहिए, शोध को बढ़ावा देना चाहिए, जो प्रशासन के संबंध में, लोक प्रशासन के संबंध में नए रिसर्च करता है उसको फेलोशिप देना चाहिए, स्कॉलरशिप देना चाहिए। लेकिन ये जो हनी रिपोर्ट है, ये हनी रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी कमी है थी, वो ये नहीं बताया कि समस्याओं का निराकरण कैसे किया। उसने एक रिपोर्ट तैयार कर दिया कि रिसर्च करो, उसने ये कह दिया राष्ट्रीय आयोग हो, लोक प्रशासन को एक अलग विषय के रूप में बनाया जाए, लेकिन वर्तमान उस समय की समस्याओं के बारे में उसने नहीं बताया। अब उसी वर्ष दूसरा जो सम्मेलन हुआ उसको फिलाडेल्फिया सम्मेलन भी कहते हैं, सेम वर्ष 1967 में ही। और इसमें जो बातें कही गई उसमें जो प्रमुख थे जेसी चार्ल्स वर्ड थे। कौन थे? जेसी चार्ल्स वर्ड थे। और इन्होंने कहा कि हमें गरीबी किस कारण से होती है उस पे हमें देखना है, गरीबी को दूर करने के उपाय हमें खोजना है, हमें बेरोजगारी के बारे में सोचना है कि हम बेरोजगारी को कैसे दूर कर सकते हैं। क्लियर होगी बात? या हम नए नए रोजगार के अवसर कैसे तलाश सकते हैं, नए नए अवसर कैसे निकाले जा सकते हैं। और इन्होंने कहा कि सामाजिक असमानता, किसी भी राष्ट्र के विकास का सबसे बाधक तत्व होता है सामाजिक असमानता। असमानता का तात्पर्य है कि जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, इन आधारों पर आप समाज आपका जो होता है उसमें बहुत सारे अन्याय होने लगते। जब समाज में अन्याय होने लगते हैं, अर्थात आप जब तक नीचे के लोगों को ऊपर नहीं लाएंगे, इसी को क्या कहते हैं? अंतिम आदमी का विकास, अर्थात जो लोअर है उसको आगे बढ़ाने का विकास किया जाए। ठीक। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि आपको लोक कल्याणकारी राज्य करने चाहिए, ये करने चाहिए, वो करने चाहिए। तो इनका जो है
वो एक है कि जो नियम है जो नौकरशाही का उसको शिथिल किया जाए। नौकरशाही का तात्पर्य हम ये समझते हैं कि ये बहुत स्पेशल अधिकारी है, या नौकरशाही का मतलब ही होता है कि किसी कार्य को लेट करना, किसी कार्य को नियम से इतना बांध देना कि वो जिस समय पे उसका सलूशन चाहिए, जिस समय पे उसका हल चाहिए, वो हल ही नहीं हो पा रहा है। क्लियर हो गई बात? तो ये जो दूसरा रिपोर्ट आया, इसके पश्चात जो रिपोर्ट आया वो ये है कि उन्होंने ये कहा कि नीति, इसी में इसने कहा कि जो नीति का निर्माण है, जो कानून है, कानून जो है वह कौन बनाता है? व्यवस्थापिका। वो कहे कि व्यवस्थापिका कानून तो बनाती है लेकिन लागू तो उसको कार्यपालिका और लोकसेवक करते हैं, तो लोकसेवकों को भी कानून बनाने में सहभागी होना चाहिए क्योंकि इंप्लीमेंट उनको करवाना। तो जब उनको इंप्लीमेंट कराना है तो पहले ये था कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सिर्फ कार्यपालिका के किए गए कार्य होते थे, लेकिन जो नई अवधारणा है उसके अंतर्गत ये सिस्टम बदल दिया गया। और जब ये सिस्टम बदल दिया गया तो जितने भी राष्ट्र हैं, जितने भी राष्ट्र हैं उन्होंने आज इस नवीन लोक प्रशासन को ही अपनाया है जिसका उद्देश्य ही, एक ही उद्देश्य है, समाज कल्याण करना। पहले उद्देश्य क्या था? समाज कल्याण नहीं, कानून व्यवस्था बनाना और सरकार को घाटा ना हो इसको भी देखते रहना कि सरकार को घाटा ना लगे। लेकिन अब घाटे की परवाह नहीं करते हैं, अब किसकी परवाह करते हैं? अब यह परवाह करते हैं मनुष्य के विकास की, सामाजिक समरसता की, आर्थिक विकास की, न्याय की, शिक्षा की, ठीक है, गरीबी की, इन सब चीजों पे। तो हम उसके लिए लोक कल्याणकारी लाते हैं। उदाहरण के लिए हम सब्सिडी देते हैं गरीबों को, हम अनाज देते हैं क्योंकि उनको अच्छा भोजन प्राप्त हो सके, सस्ते दरों पे देते हैं। हमने आरक्षण की व्यवस्था की है, आरक्षण हमने इसलिए दिया कि वो जो छोटी जाति है या जो समाज के निचले वर्ग के लोग हैं वो ऊपर आ सके। क्लियर हो गई बात? अर्थात सामाजिक समानता, सामाजिक समानता के बहुत सारे आयाम हैं, जातिगत है, धार्मिक है, लिंग भेद है, तो सभी को ये बात कही गई। और इसके पश्चात ये हुआ कि धीरे 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 नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा बहुत ही व्यापक होती गई और नवीन लोक प्रशासन का शुद्ध अर्थ ये हो गया कि जनता की सेवा करना, जनता की समस्याओं का, समाज की समस्याओं का निराकरण करना, और जो सत्ता है, जो सत्ता का केंद्रीकरण ना होकर उसका विकेंद्रीकरण किया। विकेंद्रीकरण का तात्पर्य है कि सत्ता के किसी भी स्तर से जो भी कार्य होगा वह लोक कल्याण और लोक समस्याओं के संबंध में होगा, चाहे वह केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को, इसकी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, इसकी भी, अर्थात और जितने भी प्रशासनिक सेवक हैं सब के सब क्या करेंगे? सब के सब जनता के या समस्याओं का निराकरण करेंगे, सामाजिक समरसता लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन बात इस प्रकार उनका जो वो जो टेंडेंसी है, पुरानी जो टेंडेंसी है कि प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़े होते हैं, ऐसा नहीं, उनका कहना है कि लोक सेवक का तात्पर्य है जनता की सेवा करने वाला। ठीक, जनता की सेवा करने वाले का तात्पर्य है कि इसके जो बहुत अच्छी चीजें हैं वो ये है कि जो पहले जो लोक प्रशासन था उसमें वैल्यूज को महत्व नहीं दिया जाता था, मूल्यों को महत्व नहीं दिया जाता था। मूल्यों का महत्व का मतलब है कि गरीबी क्या है, जातिगत भेदभाव क्या है, शिक्षा क्या है,
बेरोजगारी की प्रॉब्लम क्या है, इन सब मूल्यों से वह अपने आप को पहले अलग रखते थे, उनको इस बात से मतलब। लेकिन नवीन लोक प्रशासन कहता है कि आपको समस्याओं की जड़ तक जाना पड़ेगा, आपको नए नए अनुसंधान करने पड़ेंगे, और विशेष बात है कि नए अनुसंधान में सिर्फ एक ही आदमी अनुसंधान नहीं करेगा, बल्कि समस्त संकायों का उसमें इंटरडिसिप्लिनरी शोध करेगा, उसमें डॉक्टर भी हो सकता है, गरीबी की समस्या के कारण में डॉक्टर भी अपना योगदान दे, रिसर्च दे सकता है, समाजशास्त्री भी दे सकता है, पॉलिटिशियन भी दे सकता है, इकोनॉमिस्ट भी दे सकता है, सभी के सब दे सकते हैं। अर्थात एक ऐसा बनाया जाए कि जो पूर्ण विज्ञान के रूप में विकसित हो। अब लोक प्रशासन में, नवीन लोक प्रशासन में जो महत्वपूर्ण विकास आया वो आया 1968 में मोनोब्रिक्स सम्मेलन। मोनोब्रिक्स सम्मेलन ये तीसरा। इसमें महत्वपूर्ण बात ये कही गई कि जन कल्याण के कार्य किए जाने चाहिए। क्या किए जाने चाहिए? जन कल्याण के, अर्थात जनता के कल्याण के लिए। आप देखे हुए, आप देखोगे कि बजट जो होता है किसी भी देश का, आजकल घाटे में होता है। अर्थात यदि एक देश का बजट 15,000 करोड़ रुपया है और वह काम कर रहा है 17,000 करोड़ का, तो घाटा कितने का लगा? 2 करोड़ का। कितने का लगा? 2 करोड़ का। लेकिन तब भी इसको अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था कही गई है। इसको अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था इसलिए कही गई है कि यह 2 करोड़ गरीबी के उत्थान के लिए किया गया है, राष्ट्र के विकास के लिए किया गया है, सामाजिक समरसता अर्थात सामाजिक न्याय के लिए किया गया है, बेरोजगारी दूर करने के लिए किया गया। क्लियर हो गई बात? तो ये एक देश की व्यवस्था के लिए किया गया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि नवीन लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या है। तो इसकी लक्ष्य है प्रासंगिकता। प्रासंगिकता का तात्पर्य यहां पर यह होता है कि लोक सेवा या लोक सेवा हमारे समाज और हमारे राष्ट्र की समस्याओं की प्रासंगिकता को कितना लेता है, जैसे गरीबी की समस्या को कितना इंपॉर्टेंस देता है, सांप्रदायिकता को कितना खत्म करने के कौन कौन से उपाय करता है। क्लियर होने की बात? तो इसके पश्चात यह मूल्यों को महत्व देता है। मूल्य का तात्पर्य है कि सोशल वैल्यूज होते हैं, समाज के वैल्यूज होते हैं, गरीबी की वैल्यू होती है। तो इन सब वैल्यू अर्थात हम उससे जुड़कर उन गरीबी को दूर करने का, बेरोजगारी को दूर करने का, जाति प्रथा को दूर करने का, दहेज प्रथा को दूर करने का, राष्ट्र का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास करने का, ठीक है, नई नई टेक्निक्स को अपनाने को बोलते हैं। नई नई टेक्निक्स का तात्पर्य है कि एग्रीकल्चर को आगे बढ़ाने के लिए नई टेक्निक क्या हो सकती है, पशुओं को उत्कृष्ट नस्ल के पशुओं का विकास करें, खेती करें, वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाए। तो इन सब चीजों को अपनाते हैं और सामान्यतः आज जितने भी विश्व के देश हैं वह लोकतांत्रिक देश हैं, और लोकतांत्रिक देश का तात्पर्य यह होता है कि जनता के हित के लिए कार्य करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना। नवीन लोक प्रशासन का जो नवीन क्षेत्र है वह नवीन लोक प्रशासन ये कहता है कि लोक कल्याण के जितने ज्यादा कार्य कर सको, सामाजिक समानता, समाज के सभी लोगों को समान रिस्पेक्ट मिले, समान स्टेटस मिले, जातिगत भेदभाव ना हो, धार्मिक भेदभाव ना हो, लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो। इसीलिए आप लोग ये देखे होंगे कि समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान है। क्लियर? इसके पश्चात समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके अलावा आप ये देखोगे कि स्वास्थ्य की समस्या के लिए हम फ्री में टीके लगवाते हैं, बच्चा पैदा होता है मरते तक हम उसके पोलियो का टीका, इसका डीडीसी का टीका, इसका टीका, और स्वास्थ्य सेवाएं फ्री में दे रहे हैं।
आपको अनाज बीज फसलों के लिए बीज फ्री में दे रहे हैं, आपको खाद सब्सिडी में दे रहे हैं, आपको पानी दे रहे हैं, आपको बिजली दे रहे हैं, अर्थात आपकी समस्या का निवारण करते हुए राष्ट्र का भी विकास कर रहे हैं। आपका विकास मतलब राष्ट्र का विकास। अब यह परिवर्तन, परिवर्तन इसका एक लक्ष्य, परिवर्तन का तात्पर्य है कि समाज में जो परिवर्तन होता है उनको यह प्रोत्साहित करे। कैसा परिवर्तन? बेकार का परिवर्तन नहीं, जो हमारे और आपके लिए लाभदायक नहीं, अच्छे परिवर्तन, जैसे शिक्षा को बढ़ावा देना, शैक्षिक रूप से परिवर्तन करना, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, राष्ट्र प्रेम को बढ़ावा देना, कि आपके राष्ट्र के प्रति आपकी प्रेम की भावना होगी तो आप राष्ट्र के लिए अच्छे कार्य करोगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक करना। आज सबसे बड़ी समस्या पर्यावरण की समस्या होगी, तो इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भी लोक प्रशासन को कार्य करना पड़ेगा। अब नवीन लोक प्रशासन के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, उसमें है सदाचरण, अर्थात एक लोक सेवक को एक नैतिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए, उसमें नैतिकता होनी चाहिए, समाज में वह नैतिकता का विस्तार कर सके वो होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? इसके पश्चात महत्वपूर्ण यह है कि वो नए नए प्रयोगों को, नए नए अन्वेषण को, नए नए वैज्ञानिक खोजों को अपने प्रशासन में एडॉप्ट करें, जैसे भी अपन कर रहे हैं, पढ़ाने के लिए नया प्रयोग कर रहे हैं कि इस कंडीशन में जबकि पूरा का पूरा बंद है, हमें कैसे बच्चों तक कक्षाएं पहुंचानी है, नॉलेज देना है, उनको पढ़ाना है। तो ये नए नए स्टेप हैं। सामाजिक समानता, सामाजिक समानता का तात्पर्य है कि बता चुका हूं, सामाजिक समानता का तात्पर्य है कि समाज के समस्त वर्गों का विकास, जो पिछड़ा है उसको आगे, जो बढ़े हैं उनके बराबर लाना। समानता का तात्पर्य है जातिगत धर्मगत किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं हो और सभी को अवसर की। तो ये सब हमारे संविधान में भी इसलिए शामिल किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है, मौलिक अधिकारों में है कि हम कितना नागरिकों को प्रभावित करते हैं, सुविधाएं देते हैं। ये डेमोक्रेसी, एक सुंदर डेमोक्रेसी की विशेषताएं होती है कि वह लोक कल्याण और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय स्थापित कर पाता है या नहीं कर पाता है। क्लियर हो गई? फिर है उत्तरदायित्व। उत्तरदायित्व का तात्पर्य यह है जवाबदेहिता, अर्थात जितने भी लोक सेवक हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो कार्य जिनको दिया गया है वो रिस्पॉन्सिबल होंगे, सरकार को भी जवाब देंगे और आपको भी जवाब देंगे। और इसी में महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ गई है आरटीआई। तो ये जवाबदेहिता, अर्थात एक प्रशासनिक अधिकारी या कोई भी अधिकारी किसी भी कार्य को करने के लिए जवाबदेही होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर किसी जिले में कोई एक घटना घट गई, क्लियर हो गई बात, तो वह उसके लिए जवाबदेही होगा, वहां का प्रशासनिक अधिकारी, जिले का प्रशासनिक अधिकारी, उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये इस कारण से हुआ और उस गलती को स्वीकार करना पड़ेगा और जो दंड दिया जाएगा उसे भी वह स्वीकार करेगा। ठीक है? और डेडिकेशन, डेडिकेशन प्रतिबद्धता का तात्पर्य होता है कि लोक सेवक को अपने कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, कार्य को करने के लिए। अब वो ये नहीं कह सकता कि ये हमारे नियम में, क्या नहीं कह सकता है कि ये हमारे नियम में नहीं है, उसको कार्य करना है, उसको समस्या का समाधान निकालना है जिससे जनता का ज्यादा से ज्यादा हित हो सके। अब नवीन लोक प्रशासन की अपनी कुछ विशेषताएं हैं। पहले का जो लोक प्रशासन था वह नियमों से बना था,
जैसे पोस्ट पोस्ट कोर्ब है, पद सोपान का सिद्धांत है, आदेश की एकता है, अर्थात हम इंतजार कर रहे हैं कि बड़ा अधिकारी हमें कब आदेश देगा तब हम कार्य करेंगे, ठीक। और पद सोपान का मतलब यह है कि हम नीचे से सीधे हम ऊपर वाले ऑफिसर पे नहीं जाएंगे, एक हमारा चैनल रहेगा। ऐसा नहीं, वो कह रहे हैं कि किसी भी समस्या का समाधान बहुत अच्छे तरीके से होना चाहिए, इसके लिए आपको नियमों का इंतजार नियमों से नहीं बनना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि नियमों को तोड़ना चाहिए, लेकिन नियम इतने कड़े नहीं होने चाहिए कि वो प्रॉब्लम सॉल्व होने में दिक्कत आने लगे। तो अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी बात यह कहता है कि कठोरता की जगह लचीलापन, अर्थात तो नियम इतने कठोर नहीं होने चाहिए, उसमें लचीलापन होना चाहिए, प्रशासन के कार्य को करने के लिए लचीलापन होना चाहिए। मतलब कि अब आप बोलोगे कि ऐसा नियम नहीं है, आप बोलोगे ये कानून में नहीं लिखा हुआ है, आप बोलोगे अभी आपकी फाइल नहीं आई है, ठीक। तो ये बातें इसमें नहीं आनी चाहिए, और इसमें भ्रष्टाचार की जगह तो होनी ही नहीं चाहिए। मेन समस्या विकास में, मेन समस्या आजकल जो आ रही है वो भ्रष्टाचार की है, कि कोई परियोजना है तो उसमें भ्रष्टाचार होते रहता है। क्लियर होगी बात। अब इसके पश्चात जवाब देता, और इसके पश्चात नवीन लोक प्रशासन का जो महत्वपूर्ण कार्य है वह क्या है, वह है जनता का कल्याण। तो ये जितने भी पॉइंट है इसी पॉइंट से आपका जो है वह आंसर बनेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। और इसका कॉन्सेप्ट, नवीन लोक प्रशासन का कॉन्सेप्ट, सीधा सा कॉन्सेप्ट यह है कि हमें नियमों के प्रति कड़ा रुख नहीं अपनाना चाहिए, हमें ज्यादा से ज्यादा लोक कल्याण के कार्य करने चाहिए, हमें रिसर्च और नवीन विज्ञान का हमें सहारा लेना चाहिए, जो न्यू टेक्निकल टेक्निक्स हैं उनको हमें यूज करना चाहिए, और हमें ज्यादा से ज्यादा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि गरीबी हटे, बेरोजगारी हटे, सांप्रदायिकता हटे और राष्ट्र का विकास हो। और इसके लिए वह दो चीजों को मानता है, एक है विकेंद्रीकरण और दूसरा है नियमों के प्रति प्रतिबद्धता नहीं किए नियम है, अर्थात एकदम आराम से समस्या का निराकरण करें, सभी को समान रूप से देखें और सभी का समान रूप से विकास, अर्थात आज जिस हम एज में जी रहे हैं वह नवीन लोक प्रशासन का ही समय है, और सारी की सारी सरकारें जन कल्याण की योजना ही लागू करें। ये जो नवीन लोक प्रशासन है यह आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से पूछता ही पूछता है कि आप नवीन लोक प्रशासन किसे कहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि पुराना लोक प्रशासन हट गया, लोक प्रशासन का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, उसमें संशोधन किया गया, उसमें नई चीजों को जोड़ा गया, नई टेक्निक्स को अपनाया गया। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है कि जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, क्लियर हो गई, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी, तो उन्हें एक नई ट्रेनिंग दी जा रही है कि कोरोना के साथ कैसा प्रशासन किया जाए। कोरोना खत्म होगा या नहीं होगा या कब होगा तो पता नहीं है, लेकिन प्रशासन कैसे किया जाए, अर्थात देश का विकास भी हो, लोगों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी मिले, व्यापार भी हो, शिक्षा भी हो, तो ये नया मैनेजमेंट उन्हें सिखाया जाएगा हाउ टू मैनेज आपात परिस्थितियों से लड़ने की स्थितियां। कि मान लीजिए कि अब ये समस्या बहुत दिनों तक बनी रहेगी तो आप देश का विकास तो समझौता नहीं करोगे ना, तो आपको नई टेक्निक्स अपनानी पड़ेगी ना। क्लियर हो गई बात। जैसे हम अभी एक नई टेक्निक अपना रहे हैं कि घर बैठ के क्लास ले रहे हैं, ये नई तकनीक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये फोन और मोबाइल की और इंटरनेट की सुविधा नहीं होती तो आप यह कार्य नहीं कर सकते थे। तो विद्यार्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार
एक योजना बन सकती है। तो प्रशासन भी कोरोना के साथ कैसे जनता का कल्याण करे, कैसे देश का विकास करे, वह महत्वपूर्ण बात। अब नवीन लोक प्रशासन का निष्कर्ष यही है कि नवीन लोक प्रशासन ये कहता है कि हमें पुराने नियमों के हिसाब से नहीं चलना है, कि अभी फाइल नहीं आई है, अभी साहब नहीं है, अभी अर्थात समस्या का जल्द से जल्द निराकरण, समस्या का ऐसा निराकरण जो सबके हित में हो और राष्ट्र के कल्याण। मैं सोच रहा हूं कि तुम लोगों को समझ में आ गया।